अरे तुम कैमरे में हो, बताओ बताओ कितना, बस बार बार से वॉश करने के। वेलकम बैक टू अ चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो अब जो है आप लोगों को पता है कि वी आर वर्किंग ऑन आर प्रोजेक्ट कार, और बहुत जल्दी जो है उसके व्लॉग्स जो आपके पास आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स है वो अभी हम लोग जमा कर रहे हैं, और जमा जब हो जाएंगे तब आप लोगों तक हम लोग पहुंचा देंगे। तो मीनवाइल जो है हम लोग एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड चैलेंज सीरीज, और बेसिकली इसमें आप लोग जो है हमें चैलेंजेस दे सकते हैं। जैसे आज का जो चैलेंज है वो आकृति ने मेरे को दिया था, तो आकृति ने बोला कि हमारी ये गाड़ी है, ठीक है, तो एक बार आप लोग चेकआउट कर लो। तो इसमें हम लोगों ने सबसे सस्ती वॉशिंग करानी है और एक सबसे महंगी वॉशिंग करानी है, और मैंने आप लोगों को वो चीज जो है डिफरेंस बताना है कि मेरे को सस्ती और अच्छी में क्या डिफरेंस देखने को मिला, क्या क्या प्रोडक्ट यूज किए गए थे और कैसे जो है हम लोगों को सर्विस मिलती है। तो ये थोड़ा सा यूनिक चीज है जो हम ट्राई करने वाले, आई होप कि आप लोगों को भी मजा आएगा। और अगर ऐसे और कोई चैलेंजेस है तो आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप ये चीजें करो, अगेन जो हमारी रीच में होंगे और जिसमें हम लोगों का जो मनी है वो ठीक ठाक लग रहा होगा तो वो हम लोग जरूर करेंगे। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कोई हटके चैलेंज होगा तो वो हमें जरूर बताना। फिलहाल के लिए आज हम इस चैलेंज को कर रहे हैं जिसमें हम लोग आपको दिखाएंगे सस्ती वॉशिंग वर्सेस महंगी वॉश। कार चले मेरी पास, चलती रस्लो मेरे यार सारे गाड़ी पर, ओजी शब ब्रो ओजी शब कोस मोदी सब कोस, गाड़ी चले तेज चलो कट्टो हाईवे पाको, हाइड्रोजन बन रिव्यू प्रोवाइडर को ब्लॉक करे मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइब, गाड़ी चले मेरी फ्लो में स्लो सी नाम मुसाफिर का जोशी, ये इक्के की ट्रेल मैंने शो की। हम लोग घर से गए हैं निकल, और अभी हम लोग जा रहे हैं पहले सस्ती वाली वॉशिंग कराने, ठीक है। और सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनीबॉडी, स्पॉन्सर्ड या फिर हमें कोई पैसे नहीं दिए गए कि ये चीज करो, ये हम लोग चैलेंज सीरीज कर रहे हैं अपनी, और हम लोग जो है इसमें अपने मर्जी से ये सब चीजें कर रहे हैं। तो आप लोग जो है इस बारे में अपने आप समझ सकते हो। अब हम लोग सबसे पहले जो जगह ढूंढ रहे हैं वो है जहां पर हम सबसे चीप वॉशिंग करा सके। चीप का मतलब ये नहीं है कि भाई क्वालिटी गंदी होगी या फिर वो, लेकिन सस्ते वाले मामले में जो है वॉशिंग है, मतलब कम पैसों में ज्यादा चीजें मिल, देखो सस्ती वॉशिंग में कितने रुपए से वॉशिंग होती है पहले तो वो देखते हैं कि कितने रुपए की वॉशिंग होती है, और जो महंगी वाली वॉशिंग कराएंगे वो कितने रुपए की होगी, तो क्या डिफरेंस होगा वो हम आप लोगों को बता देंगे। और अगर आप लोगों को कोई भी बीच में दिखता है कि भाई ये भाई जो है वो तो पहले YouTube में आते हैं, ये भाई तो पहले YouTube में आते हैं, तो बिल्कुल न्यू फेसेस दिखाने वाला हूँ, पुराने फेसेस कोई नहीं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ब्रांड न्यू फेसेस के साथ करूंगा, कोई भी वीडियो एंड्रॉज नहीं हो रही है ये, और मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड और आप लोग मजा करो। सो गाइज अब हम लोग अपनी पहली वॉशिंग की तरफ आ चुके हैं, और ये वॉशिंग जो है ये सबसे हम लोग चीप वॉशिंग बोलेंगे इसको, चीप मतलब सस्ता वॉशिंग, ठीक है, और आप लोग देखेंगे। सो ये है मेरी पोचनपुर की जगह, और ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है क्योंकि मेरी जिप्सी पेंट और सब चीज़ें जो है यहीं पर हुई थी, ठीक है। और रंजीत विहार अपार्टमेंट के जस्ट सामने ये पड़ता है, वी हैव टू टेक अ यू टर्न और अंदर जाके जो है आप लोगों को मैं वॉशिंग वाली दिखाऊंगा। सो जो आप लोगों की चीप वॉशिंग होती है यानी कि सस्ती वॉशिंग होती है, उसमें क्या प्रोडक्ट यूज होते हैं, कैसे आप लोगों की गाड़ी खड़ी की जाती है, वो मैं आप लोगों को जो है जरूर चेकआउट कराऊंगा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो होती कितने की है, होती कितने की, अभी ये मेरे को भी नहीं, मेरे को याद नहीं क्योंकि मैंने बहुत टाइम से वॉशिंग करवाई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पोचनपुर में बहुत सारे वॉशिंग वाले हैं, आप किसी के पास भी जा सकते हो, लेकिन हम लोग जो है मैं इधर बात करके आता हूँ, एक बार बैठ फोन लेके जाओगे, नहीं आता हूँ बात करके, कितने के कहते हैं, 200 रुपए, उससे कम मिलेगी नहीं, 200 से कम में तो फिर दोस्ती यारी में होगा, वो तो फिर हमारे वही करेंगे ना अर्जुन भाई। सो गाइस ये वाली गाड़ी गई निकल, और अब जाएगी हमारी गाड़ी, और यहाँ पे ना नॉर्मल वॉशिंग के 150 रुपए लिखा है, तो भैया से बात करेंगे इसके बारे में, और फिर 150 वाली कराएंगे। बुलाइए उसको, उतर जाओगे आप, पहले आप उतर जाओ, मैं उतरती हूं। ये जद्दोजहद है जो उतरने के लिए करनी है। That was the first step when you were getting your car washed, अगर जैसा comparison के उससे कहा था ना, तो सबसे पहले आपको difference देखने को मिलेगा। और यहाँ भैया ने start कर दिया, ये हमारी गाड़ी है तो नहीं है, अभी और दूसरों की गाड़ी हो रही है, तो basically washing में एक सबसे बड़ा जो main part होता है कि
पानी आप खारा यूज़ कर रहे हो मीठा यूज़ कर रहे हो, ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस एक प्ले करता है। मोस्ट प्रॉब्ली ये जितना भी पानी आप लोग देख रहे हो दिस इज़ ऑल ग्राउंड वाटर, मतलब ये ज़मीन के अंदर से आता है। भाई बेसिक वॉश में सबसे पहले जो चीज़ आप लोगों को देखने को मिलती है वो ये है कि आपकी गाड़ी जो है वो अच्छी तरीके से पूरे पानी से साफ की जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पानी जो ऊपर टंकी में से आ रहा है, ठीक है, देन मोटर में से आके प्रेशर वॉश के लिए मोटर में। आई डाउट कि वो टंकी जिससे पानी आ रहा होगा, ये मेरी ओर से ग्राउंड यू कैन सी वहाँ से पाइप आ रहा है मोटर में जा रहा है, उसमें पाइप अच्छा इसी से आ रहा है क्या? ग्राउंड वाटर नहीं है, ग्राउंड वाटर टंकी में जा रहा होगा और टंकी में कहाँ से बारिश का पानी थोड़ी इकट्ठा होगा। तो सबसे पहले ये लोग अच्छे से वॉश कर रहे हैं गाड़ी को। ऐसी जगहों की सबसे बुरी बात होती है वो ये होती है कि यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से डेंगू मच्छर पैदा होता है। कोई बात नहीं, अभी हम डेंगू तक नहीं पहुँचे, अभी जिस चीज़ के लिए हम लोग आए वो ये। लेकिन इधर का प्लस पॉइंट ये है ना कि एटलीस्ट दे हैव समथिंग जिसमें ये गाड़ी खड़ी हो सकती है, नीचे से अंडर वॉश हो सकता है। बिल्कुल करेक्ट। तो अभी हम देखेंगे जब हम प्रीमियम कराएंगे तो उधर क्या होता है। नीचे से भी मार दे, नीचे से ही मार दे। तो आप लोग चाहो तो अपने तरीके से भी साफ करवा सकते हो ना, थोड़ा एक्स्ट्रा बोल के भैया यहाँ से रह गया वहाँ से रह गया भैया ये कर दो वो कर दो। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो ये होता है कि आप लोगों की गाड़ी में शैम्पू मारा जाता है ना, तो शैम्पू कौन सा होता है हमारे पास? शैम्पू हाँ कौन सा मारते हो? क्लिनिक प्लस, प्लस क्लिनिक प्लस माइल्ड शैम्पू कौन सा होता है? क्लिनिक प्लस माइल्ड, माइल्ड क्लिनिक प्लस ही क्यों यूज़ करते हैं? माइल्ड वाला जो होता है वो ज़्यादातर यूज़ होता है। पर क्यों होता है? वो अच्छा होता है, रीज़न होगा मतलब बालों के लिए मत यूज़ करो, गाड़ी के लिए यूज़ करो। तो देख रहे हो आप कैसे बना रहे हो, देखो फोम बनाते हैं यार पूरा, उन्होंने फोम बनाया सबसे पहले, अब इस फोम से कपड़े से पूरा साफ किया जाएगा। और जो कपड़ा है वो कौन सा कपड़ा है दिखाना, कॉटन का कपड़ा है कौन सा? कॉटन माइक्रो फाइबर तो नहीं है? नहीं माइक्रो फाइबर नहीं है, माइक्रो फाइबर दिख रहा है नहीं, माइक्रो फाइबर नहीं है, कॉटन का कपड़ा है। This is the desi style to wash yourself. The best part is आपको भी लग सकता है desi style में सर, आप भी ना। अबे तू ये देख, जब मैं उतर रहा था ना इधर मेरे सर में देख क्या लगता अभी, वो देख क्या निकला हुआ। सर यार, तो best part is सस्ती washing में गाड़ी भी wash होगी आप भी wash। देख लो भाई, तो इसमें जो है man power का पूरा काम है। अब सफाई किस में निकल के आती है वो तो आप लोग बता पाओगे ज़्यादा अच्छे तरीके से, मैं अपना लास्ट में आप लोगों को जो है एक मेरे को लगता है इसके बाद वॉश कराने के बाद इसको खूब मिट्टी में लेके जाके लोटपोट करना चाहिए। नहीं बेसिकली हम लोग जो है ना प्रोसेस भी दिखाना चाहते हैं, एक तो देख इनका जो प्रेशर था दैट वाज वेरी फास्ट। गाड़ी गंदी होनी चाहिए ना दोबारा देखने के लिए कि साफ ज़्यादा गंदी की होनी चाहिए भाई, गाड़ी जो नॉर्मल चलती है वैसे गंदगी दिखानी ना, ये तो सारी गंदगी इसके अंदर अंदर थी ना, तो ये कौन सी कोई ऑफ रोडिंग करके आई है अभी? अभी तो नहीं कर दिया। देख लो भाई पूरा क्लीनिंग प्लस से लगाया है, लिखा हुआ 150 रुपये, भाई हमसे मांग रहा 200 रुपये। और ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये क्या मतलब, तुम्हारी शक्ल देख के पैसे बढ़ जाते हैं? पता नहीं। तो यहाँ पर जो है वैसे वैक्यूम भी होता है, ठीक है नॉर्मली, और ये वही वैक्यूम है जो आपको अच्छे प्रीमियम स्टोर्स पे भी दिखता है वैसा। सेम वैक्यूम है, सेम वैक्यूम है बिल्कुल। ये है पॉलिश, पॉलिश है ना भैया? जी भैया, दिखाने पर लगा के थोड़ा सा अपने से जेल में है। नहीं पता मेरे शीशों में जो है ना सेरेमिक हुआ हुआ है, अगर इसके ऊपर कोई भी तरीके का पानी रुकता है ना तो आप देखोगे ड्रॉपलेट बहे, ठीक है। तो ये सेरेमिक का फ़ायदा होता है, ग्रेफीन कराते हो आप लोग, ठीक है, मेरा ग्रेफीन हुआ होगा मोस्ट प्रॉब्ली, सेरेमिक नहीं हुआ होगा। तो आर वॉशिंग इज़ डन ब्रो, यस। तो अब जो है केवल कपड़ा मार के उसको सही किया जाएगा। तो करते हैं भैया? हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, तो ऐसे गीली गाड़ी धो दे देंगे। अब भी क्वेश्चन पड़ता है, देख लेते हैं कौन सा कपड़ा यूज करें भैया। कपड़ा नॉर्मल कॉटन है ब्रो, नॉर्मल कॉटन, इट्स नॉट अ हाई फाइबर। क्या होता है फाइबर में और नॉर्मल कॉटन में? जो आपका माइक्रो फाइबर होता है, हाँ जो माइक्रो फाइबर होता है वो बेसिकली निशान नहीं मारता जब आप साफ करते हो, कॉटन वाला कई बार अपने रुए भी छोड़ जाता है और स्क्रैच मारता है, स्क्रैचेस हल्का फुल्का स्वेल मार्क्स आ जाते हैं थोड़े से, उससे फर्क पड़ता है।
शौक है आप क्लीनिंग के बारे में, एक माइक्रोफाइबर कपड़े से ज़्यादा अच्छी चमक आती है कैसे? ऑब्वियस सी बात है, अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भैया ने एक बार, उसके बाद वो आई थिंक माइक्रोफाइबर से भी मार रहे हैं, माइक्रोफाइबर ये टावल टाइप का। मतलब इसमें मेहनत दो बारी करनी पड़ रही है। हाँ। स्टिकर मत निकाल दियो भाई आगे का ना, इतने जोर से रख के। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्क्स हैं। इस गाड़ी जो है वो वॉश हो चुकी है और ये आप लोगों को 150 रुपये वाली वॉशिंग है जो आप लोगों को लुक देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, मैं इधर से ऊपर चढ़ता हूँ, ये देखो। ठीक है, सो दिस इज हाउ 150 रुपी वॉशिंग लुक्स लाइक। और अब हम लोग कितने रुपये वाली कराएंगे देखते हैं, जो भी महंगी वाली हो। मेरे को लगता है 10 गुना या 15 गुना जब ऊपर जाएगी वॉशिंग का रेट। ठीक है, मैं इसको उतार रहा हूँ, पीछे से भी आप लोग चेकआउट कर लो। एक चीज़ और, राहुल ने 150 रुपये इससे बोला, क्योंकि राहुल ने 150 रुपये ही पे किया है भैया को। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ उसका। तो ज्योति कार वॉश में हमारी कार हो चुकी है, वॉश और हम यहाँ से निकल रहे हैं। सो राहुल, हाउ एक्सपीरियंस? योर एक्सपीरियंस वाज गुड, इट वाज नॉट वेरी टाइम कंज्यूमिंग। महंगी वॉशिंग कितने की कराते हैं और हम कहाँ जा रहे हो उसके लिए वो भी देखते हैं। देखते गुड़गांव जाते हैं या द्वारका में ही ढूंढते हैं। सो वी आर लुकिंग फॉर समबडी जो की थोड़ा महंगा काम करते हैं, प्रीमियम काम करते हैं। जो मतलब मेरे को बेसिक फर्क लगता है वो ये कि यहाँ पे लोग मार्क्स लगा के देते हैं पेपर वाले, जब हम महंगी वाली वॉशिंग कराते हैं। नहीं, लगा के तो ये भी दे देंगे। देखो मैं आपको बोलना पड़ेगा नहीं, फिर 250 रुपये हो जाएंगे ना, फिर अंदर से वैक्यूम भी होगा, पेपर वाली चीज के लिए फिर पैसे उस तरीके से लगेंगे। राइट। अभी देखो जैसे ये शीशा है, इसमें पानी आ गया फिर से। वो ये कैसे आया? तो ये पानी थोड़ा अंदर होता है तो जब हम घुमाते हैं तो आ जाता है। सो हम अपने घर से जो है 33 मिनट दूर आए हैं ये देखने के लिए कि आई लव गुप्ता। तो बेसिकली हम लोग चेक करने के लिए आए, जो लोकेशन हम ढूंढ रहे थे वो यहीं पर है। एंड अभी भी वो लोकेशन अराउंड, हमने उसकी पास वाली लोकेशन लगाई क्योंकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी, तो जो लोकेशन अराउंड 4 किलोमीटर दूर है। सो गाइस, हम लोग फाइनली आ गए हैं और हम आए कहाँ, द डिटेलिंग माफिया। तो हम यहाँ पर जो है प्रीमियम अपना कार वॉश कराने वाले हैं, एंड लेट्स सी कि कैसे क्या होता है। तो गाइज, अब हम लोग जो है आप लोगों को प्रीमियम वॉश के लिए लेके आए हुए हैं, और जो हम प्रीमियम वॉश अभी करवाने वाले हैं दैट विल बी कॉस्टिंग अराउंड 550 रुपीज़। ठीक है, तो जो अपना पूरा ऊपर से साफ करने का है, जैसा आप लोगों को बताया, अंदर से हम लोग नहीं दिखाने वाले आपको, बाहर से वॉशिंग वाला जो है वो प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आप लोग चाहो तो अंदर से भी करा सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए वी आर डूइंग इट फॉर दी जस्ट टॉप वॉश जैसे होता है। तो कैसे क्या होता है, कैसे क्या यूज़ किया जाता है, कौन सा कपड़ा यूज़ किया जाता है, कौन सा शैम्पू यूज़ किया जाता है, कौन सा पानी यूज़ किया जाता है, वो आप लोग देखो। ठीक है, गाड़ी लग गई है और फ्लोर पे ही है। हाँ। ऊपर नहीं जा रही, मतलब ये नॉर्मल है। तो अंडर बॉडी कैसे क्लीन होगी? अंडर बॉडी का कैसे होता है, तो ये वॉज टेलिंग की उनके पास कुछ मशीनरी है जिससे वो लोग नीचे का भी वॉश करते हैं। ये है वो मशीनरी जिससे आप लोगों का अंडर बॉडी वाला पूरा वॉशिंग होता है। तो ये क्या गोल घूमता भी है क्या, इससे पानी निकलता है? गोल घूमता है, उससे पानी निकलता है। तो ये देखो भाई आप लोग, तो ये कुछ अलग चीज़ है और भाई ये आप लोगों को जो है 550 के अंदर में होके मिलता है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग वेरी फैंसी ऑल्सो। तो एकदम से पानी में निकल के आया। ठीक है, तो पहले हम लोग यही वाली चीज़ चेक कर रहे हैं, एक बार नीचे एक बार आप लगा के देखें। अच्छा,
बेसिकली अक्कू अगर हम लोग कंपेयर करते हैं अभी फिलहाल के लिए भी कंपेयर करते हैं तो पानी का जो प्रेशर है वो काफी अच्छा है इधर, मतलब पानी का जो प्रेशर है और वो ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं पर छोटी सी मिट्टी छोड़ जा रहा है। हर एक प्रोसीजर के लिए आई गेस यहाँ पे अलग अलग टूल्स है। हाँ टूल्स है ये चीज़ है तो भाई 550 रुपये में वर्थ है भाई, मतलब टॉप वॉश है। ऑब्वियस सी बात है यार, आप ये देखो ना आप भाग रहे यहाँ पर, आपको कहीं पर भी बच के नहीं जाना, सीधे अंदर आना है। और सबसे बड़ी बात ये होती है अगर आप प्रीमियम कार वॉश पे आ रहे हो तो वहाँ पे देयर वाज नो सीटिंग अरेंजमेंट या कुछ भी ऐसा नहीं होता, लेकिन पैसों का डिफरेंस था तो ऑब्वियस सी बात है वो तो हो गई। जो आपको वहाँ जाना है खड़े रहना है, गाड़ी सामने धुल रही है आप भी सामने धुल रहे हो, फर्क तो होता है यार। इसके बाद जो है हम लोग फोम वॉश करते हैं इसमें। यस यस, तो इसमें आप लोगों को फोम वॉश देखने को मिलेगा। ये कोई पर्टिकुलर भैया मतलब कोई हमारा केमिकल होता है मिक्स? हाँ। कैसे क्या होता है मिक्सर? आपको प्राइमस होते हैं, प्राइमस प्राइमस। हाँ। प्राइमस का ये शैम्पू होता है। हाँ सर शैम्पू होता है। हाँ। उससे जो है पूरा का पूरा आप लोगों को फोमिंग वाला जो लुक है वो देखने को मिलेगा। एक बार आप लोग जो चेक कराते हैं गाइस, आप लोगों ने जो दूसरा प्रोसेस होते हुए देखा, मतलब टेक्निकली तीसरा है, पहला वाला डीप क्लीनिंग था, दूसरा वाला अच्छे से पानी मारा गया, तीसरा वाला जो है पूरा फोम मारा गया इसके ऊपर। तो ये एक डिफरेंस है बहुत बड़ा, मतलब वो फोम जो हाथों से लगाया जा रहा था स्टेप बाय स्टेप होता है। और इसमें हमारी काली गाड़ी एक बार में सफेद हो गई थी। इट लुक्स रियली नाइस, आप लोग देख सकते हो सारा का सारा फोमिंग है। और फोम लगाने से फायदा क्या होता है, आप लोगों की जितनी मिट्टी है वो निकल जाती है। अब क्या लगा रहे हो भैया? हम पानी मारते हैं ना सर, पानी मारने के बाद पानी आपका चिपकता नहीं, पानी अपना गिर जाते हैं पानी। अच्छा ये क्या है, एक चीज़ क्या है ये सर? कलरिंग फॉर्म बोलते हैं इसका। कलरिंग फॉर्म? यस यस। अच्छा भाई ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये चीज़ लगा के दिखाओ एक बार ही, तो बड़ी अच्छी चीज़ है, इज समथिंग वेरी डिफरेंट, दिखा दो एक बार मार के। अच्छा तो दिस इज कलरिंग फॉर्म फॉर व्हाट? तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि इससे और जो है डीप क्लीनिंग आप लोगों की हो जाती है देखने में। वेरी नाइस। तो जितनी भी इम्प्योरिटी होगी थोड़ी थोड़ी भी, चाहे वो मिट्टी के थोड़े थोड़े वो बने होंगे तो वो भी निकल जाएंगे आप लोग। अब ब्लू होगी तो दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट यार, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। दिस इज वेरी नाइस। महिंद्रा वालों के लिए एक फीडबैक, लाइट ब्लू कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है तो बना सकते हो। तो आकृति कैसा लगा ये वाला प्रोसेस? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, ये कुछ नई चीज़ थी, मैंने मतलब कहीं भी नहीं देखी है, सो दिस इज़ अ न्यू थिंग, दिस इज रियली नाइस। और आई होप कि अब इसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली ही इज बी क्लीनिंग जो भी जितनी जगह होगी, आप लोग देख सकते हैं। तो सो नॉर्मली क्या होता है, लोग जो होते हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कपड़ा यूज़ करते हैं, चाहे वो माइक्रोफाइबर हो चाहे कॉटन क्लोथ हो, बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ यूज़ करते हैं, लेकिन भैया जो यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं फोम। क्या रीज़न है भैया इसका? थोड़ा सा दिखाना है ये जो भैया इसको चला रहे, अगर आप लोग क्लीनली भी इसको देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से साफ हो रहा है। रीजन ये है कि गाड़ी में ग्रेफिन और थोड़ा सा उसका भी जो इफेक्ट है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। सही है, वेरी नाइस। तो नेक्स्ट अप आप लोगों को नॉर्मली का देखते हो आपकी गाड़ी साफ़ हो गई, उसके बाद पानी यानी मार के इसमें वो लगा देते हैं, क्या होता है वो जो भी लगा रहा था बंदा क्या बोलते हैं, पॉलिश, पॉलिश लगा देते हैं, लेकिन ये पूरी डीप क्लीनिंग है। हाँ, thank you.
गाइस एक प्रीमियम लॉन्च का प्रीमियम कार वॉश सेंटर पे सबसे अच्छा कार जो है दैट यू गेट अ कस्टमर लॉन्च ओवर देयर सो इफ यू कैन सी इधर यू कैन सिट एंड चिल जब तक आपकी गाड़ी का काम हो रहा है एंड यू कैन इवन वॉच टीवी सो दिस इज समथिंग व्हिच इज अ पॉजिटिव पॉइंट सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है एंड अब जो है लास्ट में कपड़े यूज किए जा रहे हैं तो ये सारे के सारे आप लोगों के माइक्रो फाइबर क्लॉथ होते हैं ठीक है भाई ये आप लोग देख सकते हो भैया यूज कर रहे हैं और अब आप सोचोगे हर गाड़ी के लिए नया माइक्रो फाइबर होगा ऐसा नहीं होता है ये रीयूजेबल होते हैं और इनके कम से कम नाना करते हुए भी 100 वॉश तो निकल ही जाते हैं बहुत आराम से 100 वॉश निकल जाते हैं ठीक है तो इसी को जो है अब साफ किया जाएगा एक बार गाड़ी ऊपर से दिखाओ ऊपर से ऐसे दिखा दो देखो अभी तो पानी है सूखने के बाद इसका रूप जो है थोड़ा गंदा दिखता ही है पर अब लेकिन अगर आप इफेक्ट देखोगे जब आप क्लॉथ जो है अच्छा यूज़ करते हो तो आप लोगों की जो मेहनत है वो कम हो जाती है तो टाइम आप लोगों ने हम लोगों को वॉशिंग कराते हुए देखा सबसे पहले 150 रुपये में हम लोगों ने वॉशिंग कराई थी तब आप लोगों ने देख लिया था क्या रिस्पांस था अब हम लोगों ने कराई है 550 रुपये की और जो क्वालिटी का फ़र्क है और जो देखने का फ़र्क है वो एक नेकेड आई से जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से देखने को आप लोगों को मिलेगा लेकिन स्टिल अगर आप लोग बात करते हो द प्रोसेस वॉज होल डिफरेंट आप लोगों ने देखा किस ऑरा में जो है पूरी वर्किंग हुई है किस ऑरा में काम हुआ है वहाँ पर मेरे सरिया लगने वाला था लेकिन मैं वही चीज़ बोलना चाहूँगा कि 150 के हिसाब से इट वॉज नॉट बैड 150 के हिसाब से इट वॉज रियली रियली नाइस लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी से प्यार करते हैं एंड आप लोग डीप प्यार में अपनी गाड़ी के साथ जैसे हम लोग हैं तो भाई वी विल श्योरली रिकमेंड कि आप लोग जो है प्रीमियम ऑली करवाएं और प्रीमियम ऑली में आप लोगों ने देखा कितना प्रोसेस होता है मैंने बहुत सारी जगह अपनी गाड़ी वॉश कराई है लेकिन जो प्रोसेस भैया ने दिखाया 2-3 प्रोसेस जो मिक्स हुए दैट वॉज रियली एफिशिएंट ऐसा नहीं है कि केवल भर के जो है चला दिया और वो हो गया ना मैं किसी के लिए अच्छा बोल रहा हूँ ना बुरा बोल रहा हूँ लेकिन हाँ एक अगर आप लोग बात करते हो कि हाँ भाई कैसे होनी चाहिए वॉशिंग तो वो आप लोगों की प्रीमियम वाली वॉशिंग आपने देखी और कार जो है वो हर जगह से चमक रही है जहाँ पर जो मिट्टी थी अब घर पहुँचे तक हम फिर से मिट्टी में लथपथ हो जाना है लेकिन हमने चैलेंज पूरा किया है ब्लैक कार है तो मिट्टी तो आएगी बट क्लीन बहुत अच्छे से है ना तो भाई चैलेंज जो है मैंने आप लोगों के सामने जो है पूरा कंप्लीट करके दिखाया मैंने आप लोगों को दिखाया सस्ती वॉशिंग कैसी होती है और मैंने आप लोगों को दिखाया एक प्रीमियम और महंगी वॉशिंग जो है वो किस तरीके से होती है और क्या क्या चीज़ों का आप लोगों को जो है डिफरेंस देखने को मिलता है आज का जो सबसे बड़ा शो कंप्लीट करने वाली मशीन थी वो ये थी ये मशीन मतलब जो है अगर भाई आपकी गाड़ी जो है लिफ्ट होके हाइड्रोलिक्स पे जाके नहीं हो रही है क्लीन तो ये ज्यादा अच्छा है भाई लेकिन ये दिस इज समथिंग वेरी नाइस हाइड्रोलिक्स में आपकी गाड़ी गिरने का भी बहुत डर रहता है इसमें देयर इज नो प्रॉब्लम वैसे उसमें गिरने के बहुत चांसेस नहीं होते लेकिन बहुत चांसेस होते बट लाइक 100 में से 1% तो होता ही है ठीक है तो कुछ लोग बोलते हैं भाई हम देसी है तो भाई हम भी देसी हम तो बहुत ही ज्यादा देसी बिल्कुल कोर देसी वाला काम भी हमने किया हुआ है अपने सामने बैठ के गाड़ियों की पूरी रिपेयरिंग कराई है सर्विसें करवाते हैं तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को जो है कुछ गलत बोला या कुछ अच्छा बोला लेकिन अगेन आप लोगों को दोनों चीजें कर दिखा दी चैलेंज कम्प्लीटेड रिजल्ट भी आप लोग के सामने तो अब नेक्स्ट चैलेंज क्या रहेगा वो आप लोग हमें बता देना बिल्कुल प्लीज कमेंट्स में जरूर बता लो और इंस्टाग्राम पे भी कमेंट्स में बता और भाई गाड़ी जो है वो एक नंबर की चमक रही है एक नंबर की हो चुकी है एंड आई होप कि व्लॉग जो है यहीं पर एंड करते हैं और वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया फॉलो करो मुसाफिर 8811 फेसबुक पे मुसाफिर स्क्वाड इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड सो टिल देन गाइस कीप वॉचिंग बाय बाय